नवरात्रों में व्रत और पूजा अर्चना पूर्ण होने के बाद नारियल का क्या किया जाए, यह दुविधा सभी के मन में अक्सर बनी रहती है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जब घट स्थापना होती है तो उसमें नारियल स्थापित होता है और पूरे 9 दिन तक देवी दुर्गा के साथ उस नारियल की भी पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल में तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। साथ ही साथ 9 दिन तक जब हम उस नारियल की पूजा करते हैं तो देवी दुर्गा की उस नारियल पर असीम कृपा होने से वह बहुत अधिक शुभ हो जाता है। कहा जाता है कि इस नारियल को घर में रखने या फिर इसका प्रसाद वितरण करने से जीवन में आए सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ घर से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो दूर रहती हैं। इस बारे में अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आश्विन मास के जो नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुए हैं, तो नवरात्रों की पूजा में सभी अलग अलग पूजा की जो वस्तुएं होती हैं, जिससे पूजा की जाती है, उनका सभी का बहुत महत्व होता है। जो माँ दुर्गा की पूजा में जब हम घट स्थापन करते हैं और घड़े के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, विशेषकर पानी वाले नारियल का महत्व होता है, तो उसके ऊपर एक लाल वस्त्र को लपेटते हैं और उसको जब घट स्थापन होता है उसके ऊपर स्थापित किया जाता है। तो नारियल का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। इसके अतिरिक्त इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, इसका जल बहुत पवित्र होता है। और इसके अतिरिक्त जो नारियल को 9 दिन पूरे होने पर जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, उनको भी हम प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा देते हैं, जो शेष बचता है वह सभी परिवार में उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। जो कृपा है, असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। जो नारियल होता है, नारियल का जो है ना संपूर्ण हिस्सा जो है उसकी बलकल भी और ऊपर का भाग होता है वो भी बहुत शुभ होता है। उसको यदि हम तोड़ करके थोड़ा एकत्रित करके अपने दरवाजे पर भी लगाएं तो उससे भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ये नवरात्रि पूरे हो जाते हैं उसमें बहुत से व्यक्ति ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी कुछ प्रचलन है कि जो अगले नवरात्रि आएंगे अमावस तक, नवरात्र से पूर्व एक दिन जो पहले अमावस होती है, उस तक उस नारियल को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि उस नारियल को रखने से घर में सुख समृद्धि एवं नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उसको हम एक मंदिर, अपना जो मंदिर है ना, मंदिर में ही किसी एक एकांत स्थान में, अर्थात जो उसको एक किसी अच्छे कपड़े में जो लाल अथवा पीला वस्त्र जो शुभ होता है उसमें लपेट करके मंदिर में ही रख देना चाहिए। और तत्पश्चात जब अमावस्या आ जाए तब उसको हम गंगा में प्रवाहित करें। इससे क्या होगा, जो जितने दिन तक ये हमारे घर में मंदिर में स्थापित रहेगा, घर के मंदिर में, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी।